अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे कि केगल क्या है। ये तमाम लिंक्स या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, तो आप गौर से बात सुन लीजिए, लिंक्स आपको मिल जाएंगे। केगल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है डेटा साइंटिस्ट की। इसमें दुनिया भर से 10 लाख से ज़्यादा यूज़र्स रजिस्टर्ड हैं। अब गूगल ने इसको रिसेंटली कुछ साल पहले एक्वायर कर लिया है, या कंपटिशंस होते हैं। केगल के अंदर मुख्तलिफ रैंकिंग होती है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप नोवाइस होते हैं। आप जाएँ अपना ईमेल दें, अकाउंट बना लें, तो आप नोवाइस हो जाएंगे। उसके बाद आप पिक्चर, अपनी प्रोफाइल की पिक्चर लगा दीजिए, आप अपनी बायोग्राफी लिख दीजिए, छोटी सी अपने बारे में इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, कोई कर्नेल बना के अपलोड कर दीजिए, नोटबुक बना दीजिए जुपिटर की, पाइथन के अंदर, आर के अंदर कोई कोड अपलोड कर दें, कोई कोड को फोर्क कर लें, एक दो कमेंट्स कर दें, तो आप कंट्रीब्यूटर बन जाते हैं। आप कंपटीशन पर पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, तो हल्के हल्के आप फिर एक्सपर्ट बन जाते हैं, फिर आप मास्टर बनते हैं, ग्रांड मास्टर बनते हैं। इन 1 मिलियन लोगों में से पूरी दुनिया में सिर्फ 203-204 ग्रांड मास्टर्स हैं। आप किसी भी ग्रांड मास्टर की प्रोफाइल में जाके देख लें, वो $500,000 से कम नहीं कमा रहा। वो गूगल से आता है, वो माइक्रोसॉफ्ट से आता है, वो फेसबुक से आता है, या अपनी कंपनी चला रहा होता है, या अपनी कोई चीज़ लॉन्च कर देता है। आप कोर्सेरा पे देखें, एक कोर्स है हाउ टू विन केगल कंपटीशंस। उसमें जितने केगल मास्टर्स और ग्रांड मास्टर्स हैं, सब अपनी अपनी कंपनियाँ चला रहे हैं। एक टूल है डेटा साइंस का, बड़ा मशहूर टूल है, और मैं अपने कोर्स में पढ़ा भी रहा हूँ उसको। उसका नाम है H2O। वो तमाम जो केगल मास्टर्स थे, उन्होंने मिलकर बनाया है। आप केगल मास्टर्स बन जाएं, 1500 केगल मास्टर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो 1 मिलियन लोगों में से। और आप यकीन करें, कंपनी आपको घर से उठा के ले जाएंगी, आपको जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। केगल मास्टर्स को एक स्पेशल प्लेटफॉर्म मिलता है केगल की तरफ से, जिसमें वो बहुत सारे छोटे छोटे कंपटीशन या प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स देते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक कंपनी है, विक्टोरिया सीक्रेट हो गया, वॉलमार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, टेस्ला हो गया। अब आप एक डेटा साइंटिस्ट को ढूंढते हैं और हायर करते हैं, तो ये हायरिंग का, ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस कोई 3 से 6 महीने लगते हैं। जो हेड हंटर कंपनी होगी, $80,000-$90,000 आपको उसको देने पड़ेंगे। अच्छा डेटा साइंटिस्ट भी आपको $3,000-$5,000 साल से कम में नहीं मिलेगा। तो ये अच्छा नहीं है कि आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के कंपटीशन में लॉन्च कर दें, $25,000-$50,000 का प्राइस रख दें, और पूरी दुनिया के 1 मिलियन डेटा साइंटिस्ट आपके प्रॉब्लम्स में काम कर रहे हो। और बहुत से लोग तो अपनी प्रोफाइल को इंक्रीज़ करने के लिए शुरू में फ्री में भी काम करते हैं, जब तक वो मास्टर्स ना बने। NSA ने, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने, जब अमेरिका में जाते हैं एयरपोर्ट्स में, तो जो आप मेटल गेट से गुजरते हैं, उसका पूरा डेटा दे दिया। $1.8 मिलियन का प्राइस था, $18 लाख का। अब बताइए, डेटा आपको कौन देगा? उस डेटा पे काम किया, पब्लिक डेटा था, तो हमने देखा कि जब लोग गेट से गुजरते हैं, तो सिर्फ यही नहीं कि मेटल डिटेक्ट करें, बल्कि उसके बैग जो सिक्योरिटी से गुजरते हैं बेल्ट पे से, हम सारी चीज़ देख सकते हैं। उसके बैग में कितने आईफोन हैं, कितने गैलेक्सी फ़ोन हैं, कितने हेडफोन्स हैं, कितने लैपटॉप्स हैं, कितनी कोई और चीज़ें, तो हम पूरी मैपिंग कर सकते हैं कि कितने लोग पाकिस्तान से अमरीका जाते हैं वो क्या लेकर जाते हैं, पाकिस्तान से नॉर्वे जाते हैं वो क्या लेके जाते हैं, अमरीका से लंदन जाते हैं वो क्या लेके जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ होती है, और जो डेटा है, ये डेटा बहुत बड़ी वेल्थ है। तो अगर आप डेटा साइंस में काम कर रहे हैं आजकल के दौर में, और आप केगल के ऊपर नहीं हैं, आपकी केगल प्रोफाइल नहीं है, तो आप एग्जिस्ट नहीं करते। देखिए, आप डेटा साइंस का कोई कोर्स करते हैं, कहीं से आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ लेंगे, कहीं से आप बिज़नेस नॉलेज ले लेंगे, कहीं से आप डोमेन एक्सपर्टीज़ ले लेंगे, कहीं से आप पाइथन सीख लेंगे, लेकिन तमाम चीज़ों को मिला के अपने एक साथ चलाया तो नहीं ना अभी तक, तो आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं आई। कोई शख्स बोलता रहे कि जी मैंने यूट्यूब से बॉलिंग करना सीखी है, लेकिन जब तक वो फील्ड में आके खेलेगा नहीं, हमको पता नहीं चलेगा कि उसका मेटल क्या है। उसको अपना मेटल प्रूव करना पड़ेगा कि जी मुझे बॉलिंग अच्छी आती है, मैं विकेट ले सकता हूँ। कोई बंदा बोलता रहे मैंने रेसिपीज़ की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन जब तक खाना नहीं पका लेता, आप उसका खाना चख नहीं लेते, कोई उसको मेडलिन स्टार नहीं मिल जाता, हम उसके बारे में कोई राय काम नहीं कर सकते। तो जैसे शेफ़ को मेडलिन स्टार मिलता है, और उसके लिए एक परख होती है, कसौटी होती है, उसके लिए एक एज़ाज़ की बात होती है, बिल्कुल ये एज़ाज़ आपको केगल पे मिलता है ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल्स की सूरत के अंदर। पाकिस्तान में मुझे तकरीबन 1.5 साल हुआ केगल मास्टर बने हुए। मुझे नहीं लगता मेरे अलावा अभी तक कोई और केगल मास्टर बना है, मैंने रिसेंटली चेक नहीं किया, लेकिन बहुत कम लोग हैं। आप लाजमी केगल के ऊपर आइए। केगल में बहुत आराम से, जो इनके मास्टर्स लेवल पे कंपटीशन होते हैं, आप $25,000-$50,000 वीकेंड पे बना सकते हैं, अगर आपको स्किल्स आती हों। स्किल्स ज़्यादा चाहिए भी नहीं होती, जो कुछ भी आपने सीखा है, पढ़ा है, आप आ जाएंगे। मुझे बड़ी हैरत होती है कि हमारे मुल्क में लोगों ने मास्टर्स किया हुआ डेटा साइंस में, और केगल का नाम नहीं सुना, या नाम सुना तो उसकी प्रोफाइल नहीं है। आप अपना FYP का प्रोजेक्ट बनाते हैं बैचलर्स के अंदर, केगल पर बनाइए, मास्टर्स केगल पर कीजिए, PhD केगल के ऊपर कीजिए। दुनिया भर के डेटा सेट्स अवेलेबल है। अभी ज़िलो वालों ने कंपटीशन लॉन्च किया था, मरकरी का वालों ने किया था, इसका होलसेल का, रिटेल का, तो आप उसको यूज़ कर लें। पाकिस्तान के मेट्रो पे अप्लाई कर दीजिए, ज़िलो को इस्तेमाल करें, उसको zameen.com पे अप्लाई कर दीजिए। जो डेटा चाहिए वो अवेलेबल है, और पाकिस्तान का डेटा ज़्यादा ज़्यादा अपलोड करें, आप डेटा सेट मास्टर बन सकते हैं। डेटा सेट में मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर 22 ग्रांड मास्टर हैं खाली,
ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, या 9 ग्रैंड मास्टर हैं, 22 मास्टर्स हैं, इस तरह कुछ है, लेकिन बहुत कम नंबर है। नोटबुक में आ जाएं, डिस्कशन में आ जाएं, कंपटीशंस के अंदर आ जाएं। अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं केगल कंपटीशन के अंदर, तो यकीन जानिए आपको किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा कि आपको डेटा साइंस आती है। अभी हम डेटा साइंस प्रोजेक्ट में कैपस्टोन प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, जिसमें 500,000 रिकॉर्ड्स हमने रिलीज़ किए हैं पाकिस्तानी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के। मेरी बहुत सी कंपनी से बात हुई है, 19 कंपनियां तो ऑन बोर्ड हो चुकी हैं, कि उसके ऊपर जो अच्छे कर्नल्स और नोटबुक बनाएगा कंपनीज उनको डायरेक्टली हायर कर लेंगी। तो भारत केगल का एक छोटा सा तारुफ था, वेबसाइट यहाँ पर नीचे दे रहा हूँ, मैंने इस पर किताब लिखी है, वो किताब का लिंक भी मैं यहाँ पर नीचे दे रहा हूँ, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं वो भी करने हैं। अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, फोकस रहकर, आपको पाइथन या आर दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आती है, 15 दिन के अंदर आप केगल एक्सपर्ट बन सकते हैं। 3 महीने बहुत ज़्यादा हैं केगल मास्टर बनने के लिए, अगर आप रोज़ जुट जाएं इस पर 3 से 4 घंटे करते रहें। छोटी छोटी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मैंने केगल कम्युनिटी का फेसबुक ग्रुप भी बनाया, उसको ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी यहाँ पे दे देता हूँ। किताब भी लिख दिए, आर्टिकल्स भी लिख दिए, कोर्स में पढ़ा भी दिया है। अब भी अगर आप केगल मास्टर ना बने तो यकीन जानिए कसूर आपका है और किसी का नहीं है। उम्मीद है ये चीज़ें आप देखते रहेंगे और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के इस मैदान में आप आगे बढ़ते रहेंगे। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।